हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज है मेरी परीक्षा की घड़ी, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, वो भी अकेले गाड़ी लेके। बस दिल्ली तक जाके फिर वापस आना है प्रैक्टिस के लिए, और अकेले जा रहा हूँ बिकॉज अकेले आज तक कभी गया नहीं। बाय द वे, ओरियो भी उठ चुका है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग अम्मी जी। गुड मॉर्निंग जी। तो पहले तो गाड़ी को मैं साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से। कल धोने के लिए गया था तो वहाँ पानी नहीं था, तो खुद ही एक बार पानी से मतलब कपड़े से कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। आज जा रहा हूँ मैं लॉन्ग टूर पर। दूर ऐसे ही हाईवे पे मतलब, फिर वापस आ जाऊंगा। तो हल्की फुल्की मैंने कपड़े से साफ कर दिए, गीले कपड़े से। तो गाइस फाइनली मैंने मम्मी जी को मना लिया है। कोई नहीं मानी हूँ मैं नहीं मानी हूँ, मैं नहीं भेजना चाहती अकेले। हाँ होता है हर किसी पेरेंट्स के कि मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए, नई नई गाड़ी है, बट क्या बोलते हैं उसको, रिस्क लेने से ही हम आगे बढ़ेंगे। वैसे रिस्क तो क्या है, गाड़ी चलाने तो आती है, और बस कोई बात नहीं मम्मी, टेंशन ना लो, आपका बेटा हूँ मैं। मम्मी कह रही तो ही मान रहा है मेरा कहना तू। तो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ नहाते हैं और उसके बाद खाना पीना खा के फिर चलते हैं, देखते हैं जो भी सीन रहेगा। सो अभी नहा के तो रेडी हो गया हूँ मैं, बट मुझे मम्मी जी की बात माननी पड़ी, मैं साहिल को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। और क्या फिर, ये थोड़ी है बेटा अकेले जाना। कोई बात नहीं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मानना चाहिए बेटा। देख हमारे को डर नहीं रहेगी, जो भैया साथ होगा थोड़ा, हमारे को भी होगा दो जने। तू कहना अकेले जाता हूँ, अकेले जाता हूँ, अकेला अच्छा थोड़ी है। कोई बात नहीं, फिर कभी। मैंने इतना मनाया, इतने हाथ जोड़े पैर जोड़े, क्या रिक्वेस्ट नहीं किया मैंने, बट मम्मी बोले नहीं जाना तो नहीं जाना। कोई नहीं, फिलहाल साहिल को उठाते हैं, तैयार हो जल्दी से चलते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो आ गया चाय के साथ, ये फैन है। एंड पीयू स्कूल जा रहे हैं, पीयू हमारे साथ नहीं जाएगा। वैसे कल संडे है, पीयू से अपन कल जा सकते हैं, कल चलेंगे। ठीक है, टीका लगा दो मुझे भी। ओम यावद गंगा कृच्छ्रे त्रेतावद तिष्ठमेधिनी चिरंजीव आयुष्मान भवः। ओरियो को भी लगा दो, ओरियो को भी लगा दो। तो देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसी रहती है दिल्ली तक की। साथ में अगर कोई होता है ना तब मतलब लगता है हाँ कि कोई है, बट अकेले में मुझे देखना था कि कैसा फील होता है, वो पता नहीं कब मैं देख पाऊंगा। तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं। तूने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो चलो पहले डीजल भरवा लेते हैं। तो हम निकल चुके हैं हमारी आज की राइड के लिए। तो भैया को देख के मेरा मन कर रहा है चलाने का गाड़ी, बट अभी सिखा दूंगा तेरे को, बट अभी नहीं चलाऊंगा, थोड़े टाइम बाद भैया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद चलाऊंगा मैं भी। करियो स्कैन, करियो उससे। तो अभी हम आए डीजल भरवाने के लिए, इसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए। आज बहुत ही लंबा राइड होने वाला है भैया और मैं, सिर्फ पहली बार इतने दूर। 9:30 हो रहे हैं, तो देखते हैं कब तक हम दिल्ली तक पहुंचते हैं। हमको दिल्ली अंदर नहीं जाना, बस दिल्ली को टच करके वापस आना है। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और क्या, अंदर जा नहीं सकते फिर, ट्रैफिक इतना होता है दिल्ली में तो यार। तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं, हम 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। देखो मेट्रो स्टार्ट हो गई है भाई साहब, ये होता है गाड़ियों का माल, मतलब पता ही नहीं चला यार दिल्ली ऐसे ही पहुंच गया हम। यूजुअली बस में आते थे ना तो 4 घंटे लगते थे मेरे को। ताजा ताजा गन्ने का जूस पीना। तो मैंने साहिल को भेजा है जूस लेने के लिए, वो जूस ले आता है, फिर चलते हैं। फिलहाल अभी हम हैं पता नहीं किस जगह पे डोल रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है इस गाड़ी के अंदर। चलो हमने एसी चला रखा है बट बाहर बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे ना जूस पीने के लिए रुके थे। हेलो मैम, आपको ज्यादा ही फैन हो रखा है भैया, उसके साथ अपनी पिक ले लो एक। चल खड़ा हो, कोई नहीं आप वीडियो में भी आओगे ठीक है। बल्ले बल्ले, दोस्त को चिढ़ाऊंगा। दोस्त को चिढ़ाओगे? हाँ। कौन सी क्लास में हो? पीयूष आया है। पीयूष क्या है, वो स्कूल गया है? हाँ ठीक है, बाय। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, तो प्यास भी लगती है, इसलिए हमने जूस ही पी रहे हैं। मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। थैंक यू। जूस तो टेस्टी था ना, सही था। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से वापस जाने की, अभी हम बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पे हैं। अगर दिल्ली के अंदर घुस गए ना तो वापस नहीं आ पाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, रास्ता ही नहीं वैसे भी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर चलते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, अराउंड 2 घंटे, 1.5-2 घंटे लगेंगे वापस जाने में। पीयूष भी स्कूल से आ गया होगा, ऐसे ही ना, मतलब अगर डेली मैं दूर दूर जाके प्रैक्टिस करूंगा ना तो सही प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे ये बात तो पक्का हो गया, चलाने जरूर आ गया, बढ़िया वाली चलाने आ गई, बढ़िया वाली आ गई। चलो बढ़िया। तो ये अंकल जी मिले थे, इनको भी हंसी जाने, इन्होंने हाथ दिया था, चलो आप भी चल पड़ो। तो गाइस अभी तक तो आपने हैवी ड्राइवर देखे होंगे, सामने देखो हैवी पैसेंजर, मतलब
सैक देख रहे हो किस तरह से खड़े है पीछे, मतलब सामान भी रखा हुआ है ना पीछे, वो उसको भी दबा रखा है। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अरे थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन मजा आता है। ओके ओके, बैग ले लेना अपना, ले लिया, मैं बोल रहा हूँ थैंक यू भाई, अपना भी अलग ही सीन है। भैया ने पैसे रख दिए यहाँ पे, अरे हम तो वैसे ही ले आए, हम जा रहे थे तो आप ले आए भाई, किराया दे रहे, बाकी बढ़िया थे, बातचीत की हमने, मजा आया। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने शहर में, चलते हैं अब। वाह 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 वाह, दो सब्सक्राइबर थे बाइक पे, पहचाना उन्होंने, और अब एकदम से आगे निकाल के हाथ छोड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है। पीयूष दुखी हो रहा होगा बिकॉज वो नहीं गया ना स्कूल, गया था वो, कोई बात नहीं, उसके एग्जाम होने वाले हैं अभी, उसके बाद तो चलेगा ही साथ, तब तक मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। साहिल को सिखाने यार, क्योंकि आधे रास्ते में ये चलाएगा, आधे में मैं चलाऊंगा, अगर लॉन्ग टूर पे जाएंगे ना तो वो काफी सही रहेगा। 5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं और बिल्कुल भी मुझे थकावट फील नहीं हो रही। गाड़ी में से उतरने के बाद थोड़ा बहुत फील हो रहा है बिकॉज 5 घंटे से कंटिन्यूसली बैठा था, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। ओरियो ओलू ओलू, सौदा आगे हैं, सौदा आगे हैं ओलू, हैं भाई पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ घूम फिर के आ गए हम पता दिल्ली होके आ गए हम, दिल्ली होके, हाँ पूछ ले, वीडियो दिखा दूंगा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए कुछ लाए हैं, दो चीजें हैं दोनों तेरी फेवरेट हैं, सारी थैली में गई, थैली में गिर गई, अबे यार। तो ये है पनीर टिक्का, सारी चौमिन इसमें गिरा दी थैली में, मैंने थोड़ी गिराई, पहले से गिरी हुई थी। आते ही पीयूष टूट पड़ा दोनों चीजों पे, तो पीयूष का एक कुरियर आया, देखते हैं इसमें क्या है। तो पापा जी कह रहे हैं हमारे पीछे से 4 सब्सक्राइबर आए थे हैं दिल्ली से, तो इसी तरह से काफी दूर दूर से सब्सक्राइबर मिलने के लिए आते हैं और मैं घर पे मिलता नहीं हूँ। तो देख लो गाइस, आजकल मेरी गाड़ियाँ रखी है तो मैं निकल जाता हूँ बस, तो पक्का नहीं कि मैं घर पे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, आप इतनी दूर से आते हो और फिर आपको जाना पड़ता है वापस। क्या है दिखाइयो, गोल्डन प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्लस गोल्डन दोनों है इसमें, तो थैंक यू सो मच। भेजा किसने, लेटर भी है, फ्रॉम सहज अरोड़ा, ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, काफी प्यारा लेटर है, केमिकल है इसके अंदर, केमिकल लोचा है कुछ भाई, ये तो डेंजरस लग रहा है मुझे, ये पता नहीं हमारे पास क्यों भेजा है, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों से दूर रखो, एनिमल से दूर रखो, इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि हमारी आँखों, नहीं 8 साल के नीचे बच्चों में, भाई जो भी करोगे बहुत केयरफुली करना, शायद वो करने दे तू, और ही केमिकल लोचा करेगा है, और ही क्या डाला, पीओपी है, हाँ पीओपी है भाई, पानी ज्यादा कर दिया, पास नहीं जाना वहाँ, पहले बता रहा हूँ तुझे मैं, पोपट ना हो जाए अपना भाई, इसमें देखो भाई कुछ ऐसा निकलेगा भाई, कुछ ऐसा लावा सा निकलेगा इसमें से, तो वोल्केनो बनाएंगे इसके अंदर, डाल दे आराम से डालियो, बेटा तूने पानी ज्यादा डाल दिया, पानी कम डालना था, अरे भाई साहब हो गया काम खराब, पोपट हो गया भाई, ले नीचे भी बना लो वोल्केनो, ये क्या कर दिया भाई, ये कैसा वोल्केनो बना दिया तुमने, ये क्या, इन दोनों वोल्केनो में फर्क देखो गाइस, ये देखो इसमें कैसा छपा हुआ, ये क्या बना है, अरे किस रख दिया यहाँ पर, और ये भी देख रहा क्या कर रहे हैं, तेरे जूस लाया हूँ, मार खाएगा तेरे जूस, तो निकाल दूंगा मैं तेरा जूस, मम्मी को मत बताइयो, ओए ओरियो से दूर रखियो, ओरियो ओरियो ने चाट ले गई, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, हम केमिकल्स को यूज ही नहीं कर पाए, केमिकल्स वहाँ पे हैं, कर सकते हैं जो भी थोड़ी है इसके अंदर ही, वैसे क्या कर दे, अब आया मेन केमिकल रेड कलर का आपको दिख रहा होगा ये भाई, ये क्या है, चीनी जैसी, चीनी है, किसी भी चीज पे हाथ मत लगाना, ओ क्या बोल कहने में, बहुत मजा आ गया भाई, वाह क्या बोल कहने में, वाह पैसा बर्बाद, ओए ओए लीक हो गया, लीक हो गया, ओए लीक हो गया, अरे उल्टी कर रहा है, फेंको, हाथ मत लगाना कोई भाई, लीक हो गया सारा, पापा जी पूरा सब गंदा कर दिया इन्होंने, अरे पत्थर भी तो यूज नहीं किया, डालियो एक बार पत्थर डालियो इसके, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, दूर हो जाओ सारे, पापा जी दूर हो जाओ, ब्लास्ट ना हो जाए कहीं, कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हुआ, क्या भसड़ मचा दी तुमने यहाँ पे, देखना साफ कौन करेगा इसको, पढ़ाई कर रहा है तू, नहीं विश्वास ही नहीं हो रहा यार, ये क्या हो गया, पेपर नहीं है, चमत्कार हो गया, वाह परसों पेपर है, कल संडे है, इसके नीचे फोन तो नहीं छुपा रखा, हटाइए को, बुक के नीचे फोन तो नहीं है, हटाइए बुक, हटाइए, हटाइए बुक, हटाइए, हो सकता ये पढ़े, हो ही नहीं सकता, फोन तो नहीं है भाई, मैंने तो बहुत किया है, मैं तो फोन अब बुक के नीचे, जब मैं पढ़ाई करता था ना फोन मेरी बुक के नीचे होता था, देख तेरे टाइम में फोन ही नहीं था, क्यों नहीं था, था फोन, सिंपल सिंपल चाइनीज फोन था, बारहवीं में दिलाया तेरे को फोन हमने, बारहवीं में दिलाया था, लेकिन उससे पहले चाइनीज था, एक चाइनीज फोन नहीं होता जो बटन वाला, बटन वाला वो था, और ये भी हैरान हो गया देख के, मतलब बैठेगा सोफे पे ही,
ये नहीं नीचे बैठूंगा कहीं छुपके बैठूंगा, बैठेगा सोफे पे कैसे बैठा देखना जैसे किसी का सोफा होगा। आज क्या बना रहे हो भाई दोस्त? ये बना रहे हो? चलो बना दो, ये अभी तो अच्छी लगती है कभी-कभी। तरी वाली बनाना, स्पीड देखो गाइस स्पीड। ओहो तू तो पढ़ाई कर रहा था, आगे आउट की जा। नहीं गाइस कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, देखो यहीं पे घूम रहा है। सो गाइस बात ऐसी है, रात के बज रहे हैं 10:15, डिनर करके हम आ चुके हैं। और आज हम गए थे ना तो मेरे पीछे से मम्मी जी और पापा जी ने रूम बिल्कुल क्लियर मस्त साफ कर दिया, और जो हमारे पांचों प्ले बटन हैं वो भी सेट कर दिए पापा जी ने, बिल्कुल मतलब मस्त लग रहे हैं। इस वन की जगह यहाँ पे 3 लगाना है यार। और ड्रेसिंग टेबल के बगल में भी 3 फ्रेम यहाँ लगा दिए हैं। ये एक प्ले बटन यहाँ पे भी है मेरा, इसमें भी 3 फ्रेम ऐड हुए हैं, इसमें 2 फ्रेम ऐड हुए हैं। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं, कल चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। कल संडे है तो पीस भी जाएगा, आज पीस नहीं जा पाया था। और ये ऊपर ही है ना, ओ आ गया, इसका नाम लिया तो आ गया। क्या हुआ अरे, सोई थी लड़की? सब जा रहे हैं अब सोने के लिए। बड़े मम्मी बाय कर रही है आपको, बाय कर दो। बाय ओलू भाई साहब, मम्मी जाते ही भाग गया नीचे। तो फिलहाल तो ये यहाँ पे सो रहा है चारपाई के नीचे। तो अभी 12 बजने वाले हैं, व्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, अपलोड भी लगा दिया मैंने। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर जाना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे क्या दे रही है मम्मी, देखो गाड़ी साफ करने के लिए क्या दे रही है, पजामा वो भी पीयूष का। वाह 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 वाह, पहनता तो है नहीं, छोटी तो पहनता नहीं है तो फिर कपड़े साफ सूती है ये। गाड़ी थोड़ी साफ करेंगे और क्या, फिर क्या हुआ। मिल गया मुझे कपड़ा।